हेलो फ्रेंड्स, मेरा एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रांजिशन पीस कैसे बनाते, ट्रांजिशन पीस का उसका लेआउट कैसे मारते, उसको फैब्रिकेशन कैसे करते, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। आप मेरा वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आप समझ गए तो मार्किंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसे लेआउट मारते, कैसे उसको मार्किंग करते, मैं डिटेल से ये वीडियो में आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारिणी फैब्रिकेशन ज्ञान। अगर आप मेरा वीडियो में मेरा चैनल में नया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन की बताइए दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू। अगर आपको फिटर या फैब्रिकेटर बनने का इंटरेस्टेड है, सीखने का इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। ये ट्रांजिशन पीस पाइपलाइन का एक बहुत क्रिटिकल आइटम है। उसको लेआउट कैसे मारते, मार्किंग कैसे करते, मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए मेरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। अगर स्किप करके देखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले ये काम कर दीजिए, बाद में चलते अपना पीसी का स्किन का पर। आपको बताता हूँ कैसे लेआउट मारते, कैसे मार्किंग करते ट्रांजिशन पीस। ऐसा है, एक साइड राउंड एक साइड स्क्वायर। अभी देखिए मैं एक ड्रा करके रखा हूँ। अभी ऊपर का डाया है 300, नीचे का जो रेक्टेंगुलर साइड स्क्वायर है 500 × 500, हाइट है 300। मैं इस डायमेंशन का एक ट्रांजिशन पीस आपको लेआउट मार के बताता हूँ कैसे लेआउट मारते, कैसे मार्किंग करते। अभी देखिए, अभी ट्रांसफरेंस पूरा बनने के बाद इस तरफ का दिखेगा आपको। ये 500 × 500, ऊपर का 300 डायमीटर। अभी देखिए, मैं पहले आप लेआउट मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अभी देखिए, पहले 500 × 500 का एक स्क्वायर लेना, लाइंडर चकपीस प्लेट के ऊपर ला लीजिए। पूरा प्रैक्टिकल में मैं दिखाता हूँ आपको। पर 500 × 500 नीचे का स्क्वायर जितना दिया उतना स्क्वायर का ऐसे ड्रा कीजिए। इधर देखिए, ये 500 है, ये भी 500 है, ये 500 है, ये 500। उसका सेंटर ले लीजिए। वो सेंटर पॉइंट में जितना डायमीटर है, मैं आपको लेआउट बता समझा रहा हूँ। अभी डायमीटर जितना है, अभी अपना इधर प्रेजेंट में 300 डायमीटर रखा है। अभी 300 डायमीटर का मैं आपको लेआउट मार के बताता हूँ कैसे लेआउट मारते। अभी देखिए, पहले स्क्वायर मार्किंग कर दीजिए। स्क्वायर मार्किंग करने के बाद उसका सेंटर लाइन ले लीजिए। जो सेंटर पॉइंट आएगा उसमें 300 का 150 रेडियस का एक सर्कल घुमाइए। सर्कल घुमाने के बाद ये सर्कल को कुछ डिवाइड करना। आप जितना ज़्यादा डिवाइड करेंगे इतना मार्किंग स्मूथ आएगा। अभी देखिए, मैं इसको 24 डिवाइड करता हूँ। 24 डिवाइड करने के बाद आपको देखिए, ये 24 डिवाइड कर दिया मैं। 24 डिवाइड करने के बाद आपको एक ये स्क्वायर है, अगर रेक्टेंगुलर रहता तो आपको दोनों साइड मार्किंग करना पड़ता है। स्क्वायर है, आप एक कोना एक कॉर्नर मार्किंग करेगा तो बस है, ज़्यादा पूरा चारों साइड मेजरमेंट लेना ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, मैं ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर से ए पॉइंट को मिला दे रहा हूँ। आप मिला दीजिए। ये जो आप
डिवाइड किए जो 24 डिवाइड किए ये सर्कम्फ्रेंस को, उसको आप मिला दीजिए। ये मिलाने के बाद आपको देखिए, अभी मैं ज़्यादा टाइम में मिलाएगा तो ऐसे बहुत टाइम पकड़ता है। देखिए मैं मिला के रखा हूँ, अभी ऐसे मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसका मेजरमेंट ले लीजिए, ये पॉइंट से, जैसे देखिए अभी मैं ये साइड दिखा रहा था आपको, ये चारों साइड सेम है, बल्कि कोई भी एक से चौथा ले लेगा तो बस है। देखिए अभी इसका मेजरमेंट देखिए 269.3, ये जो एक फर्स्ट लाइन का। अभी सेकंड लाइन का मेजरमेंट देखिए 235.9, थर्ड लाइन का 212.2, फोर्थ लाइन का 203.6, अभी फिफ्थ लाइन वैसे में आएगा उसका अपोजिट आएगा 212.2, देखिए 212.2। अभी देखिए फोर्थ लाइन 235.9, अभी लास्ट लाइन 269.3। अभी देखिए ये मेजरमेंट लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए ये जो मेजरमेंट आएगा ये वही मेजरमेंट सेम चारों तरफ सेम मेजरमेंट आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगुलर रहता तो थोड़ा डिफरेंट आता, आपको दो इसका मेजरमेंट लेना पड़ता है, इसका मेजरमेंट लेना पड़ता है। अभी देखिए ये मेजरमेंट लेने के बाद आप क्या करते हैं, इसको नोट करके रख दीजिए। बाद में आपको हाइट दिया 300, इधर 300 हाइट दिया, 300 का एक लाइन ले लीजिए। देखिए एक 300 का लाइन ले लीजिए, अभी इधर को आप बढ़ा दीजिए कुछ। अभी 300 लाइन लेने के बाद आपको जो ये पॉइंट आया, देखिए 300 क्या है हाइट, ये 300 आपको दिखा देता हूँ मैं। अभी देखिए अगर आप ये लाइन नहीं लेगा तो आपको कैलकुलेटर में इसको ये सब निकाल सकते हैं। अब उसका भी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। अभी देखिए पहला लाइन 269.3, इधर देखिए अभी ये पॉइंट से 269.3 किधर आता मार्किंग कर दीजिए। अभी देखिए मैं इधर ऑटो कट में कर रहा हूँ, बोल के थोड़ा लाइन मारना पड़ता है। देखिए 269.3, अभी ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट को लाइन मार दीजिए। अभी ये पॉइंट से आप अपना ये सब ये लाइन कितना ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इधर से टेप मार्किंग पकड़ना, इधर मार्किंग करना 269.3, फिर मार्किंग करना 230.9, फिर मार्किंग करना 212.2, ऐसे मार्किंग करके एक एक पॉइंट से अब ये लाइन खींच सकते हैं। तभी देखिए और एक लाइन में पकड़ लेता 235.9,
लाइन लेने के बाद आपको पहला लाइन कितना आया देखिए 403.1। ये जो पॉइंट, ये एंड पॉइंट लाइन का, ये 500 लाइन, देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये 500 लाइन, अभी देखिए ये 500 का। अभी ये जो पहला पॉइंट है 403.1, ये पॉइंट से एक 403.1 आर्क घुमा दीजिए। अभी मैं पूरा सर्कल मानना पड़ता क्योंकि ऑटोकैड में कर रहा हूँ, लेकिन आप डिवाइड रख के ऐसे आर्क घुमा सकते हैं खाली। अभी ये पॉइंट से आर्क घुमा दीजिए, ये पॉइंट से आर्क घुमा दीजिए, ये जिधर टच करेगा, ये क्रॉस करेगा, वो पॉइंट से ये पॉइंट को मिला दीजिए। देखिए अभी ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिला देता हूँ, ध्यान से देखिए, आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा, पूरा इजी तरीके में प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। प्लेट के ऊपर जैसे मार्किंग करते मैं ऐसे मार्किंग करके बता रहा हूँ। अभी देखिए ये आ गया, ये इसका लेंथ आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, अपना इतना लेंथ है क्या नहीं है, सॉरी ये इतना लेंथ 403.1। अभी ये जो फाइनल मार्किंग है 403.1, अभी ये देखिए ये पॉइंट से आप 403.1 का एक चाप ले लीजिए, ये पॉइंट से फिर 403.1 का एक चाप ले लीजिए, ये जिधर क्रॉस करेगा उधर से कनेक्ट कर दीजिए, लाइन मार दीजिए, लाइन डोरी और चक पीस यूज करके आप लाइन मार दीजिए। अभी देखिए 403.1, ये भी सेम, ये लाइन मारने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो है इसका जो सर्कमफ्रेंस, अभी 300 डायमीटर का सर्कमफ्रेंस कितना है, सर्कमफ्रेंस निकालना जरूरत नहीं है इसका, अभी डिवाइडर से मार्किंग करते, इसीलिए आपको 24 डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना, अभी हाफ डिग्री में होल का डिस्टेंस मैं बताया था आपको एक बार एक वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। अभी देखिए 360 डिवाइड बाई 24, ये 24 डिवाइड हम लोग किए बोल के 24 में डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी 360 डिवाइड बाई 24 कर सकते हैं, नहीं तो 180 डिवाइड बाई 24, 180 डिवाइड बाई 24, 180 डिवाइड बाई 24 करने के बाद आपको कितना आएगा 7.5। अभी मैं आपको एक बार डिवाइड करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर, साइन इनटू डायमीटर, डायमीटर 300 है 300, अभी देखिए 39.1 आया। अभी 39.1 क्या है, ये इसका डिस्टेंस, ये पॉइंट से ए पॉइंट तक, अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ आपको ये डिस्टेंस निकल के। अभी देखिए ये जो ए पॉइंट से ये पॉइंट से, ये वहाँ इधर वन आया इधर टू दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉइंट वन में। अभी देखिए अभी कैलकुलेटर में मार के आपको कितना दिखाया था आपको बताया दिखा रहे था। अभी देखिए 39.15, ये 39.2 आया, वो कुछ पॉइंट में ये में प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए अभी जो 39.2, अभी ये जो 39.2 आया उसको आप क्या करना,
अभी ये जो डिस्टेंस आया आपको, आपको ये पॉइंट से ऐसे ये सर्कल आर्क घुमाना, देखिए 39.2 मैं आपको घुमा कर दिखा रहा हूँ, 39.2। अभी ये सर्कल घुमाने के बाद ए पॉइंट से बाद में सेकंड लाइन देखना कितना है, अभी इसका सेकंड लाइन देखिए 381.6, और फिर ए पॉइंट से ये जो पॉइंट है 381.6 का हिसाब लेना, 381.6। अब देखिए ये पॉइंट भी सेम, अभी ये जिधर क्रॉस करेगा ये छोटा लाइन को, छोटा सर्कल को, उधर से आप एक लाइन लाइन बना दीजिए, ये पॉइंट, अभी ये पॉइंट से पॉइंट, अभी ये लाइन, ये देखिए दो लाइन हम लोग मार्किंग कर चुके हैं, अभी ये एक लाइन, ये एक लाइन, अभी थर्ड लाइन पे जाएंगे 367.5। अभी देखिए ए पॉइंट से 39, पहले 30 ए जो पॉइंट आया मार्किंग, ए जो पॉइंट आया सेकंड पॉइंट, इसमें 39.2 एक रेडियस ले लीजिए, इस इधर भी 39.2। बाद में सेकंड लाइन जितना है देखिए इधर 367.5 थर्ड लाइन, अभी देखिए ये पॉइंट से फिर उसको चाप काटना है, इधर ये सर्कल में किधर 367.5 सॉरी 5 है क्या, हाँ 367.5 कहाँ आता, ये पॉइंट से ये पॉइंट देखना 367.5 क्या आता, फिर वहाँ मार्किंग करना है। अभी देखिए 367.5, अभी ये साइड में भी सेम 367.5। अब देखिए ये जो क्रॉस किया ए पॉइंट में, ए पॉइंट को ए पॉइंट मिला दीजिए, लाइन मार दीजिए, लाइनर चक पीछे यूज करके ए पॉइंट से ए पॉइंट तक लाइन मार दीजिए, ए पॉइंट, अभी ए पॉइंट, ए पॉइंट, अभी ए पॉइंट, अभी ये लाइन मारने के बाद अभी आपको और ऐसे ये एक लाइन मारना, फिर रिवर्स में 367.5, 381.6, 403.1 फिर रिवर्स में उधर जाएगा। अभी देखिए मैं मार के रखा हूँ, अभी देखिए ये जो मार्किंग है, अभी ये देखिए 403.1, 381.6, 367.5, 362.6, फिर रिटर्न आएगा 367.5, 381.6, 403.1। अभी ऐसे मार्किंग करते करते आप लास्ट तक जाइए, अभी यहाँ तक मैं मार्किंग कर लिया है, देखिए अभी ये मार्किंग हो गया है आपको, यहाँ तक मैं आपको और एक लाइन मार्क के दिखा देता हूँ, 62.6 इधर ले लिया, अब इधर ले लिया, फिर ये जो पॉइंट को क्रॉस किया ए पॉइंट को ए पॉइंट मिला दीजिए, अभी ए पॉइंट को ए पॉइंट मिला दीजिए, ए पॉइंट मिलाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैं पूरा प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, ये नहीं है। अभी देखिए फिर ऐसे इसका ऑपोजिट, फिर ये लाइन इधर आएगा, ऐसे और चार लाइन मार्किंग करना पड़ता है, देखिए
ये पॉइंट मिला दीजिए, ये जो पॉइंट आया उसको मिला दीजिए इस तरफ। देखिए मैं मिला गया, आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन क्या करेगा, अच्छा से समझाने के लिए ये सब करना पड़ता है। अब देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी मिला रहा हूँ। अभी ऐसे मिला दीजिए, ये देखिए थोड़ा ये ऊपर जाना था, नीचे आ गया जल्दी जल्दी। ऐसे मिलाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ये आपको 50% मार्किंग हो गया। अभी ये जो साइड वाला, अभी आपको साइड में सिर्फ दो पीस में मैं बना रहा हूँ। अभी साइड में इधर 3500 दिया, 500 अपना स्क्वायर है। अभी उसका आधा करेगा तो 250, इधर से 250 के आगे आर्क लाइन। अभी देखिए ये पॉइंट से लेने के बाद अभी ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना आएगा वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अभी देखिए 403.1 जो लास्ट लाइन है, 403.1 का स्क्वायर माइनस 250 का स्क्वायर इजिकल टू रूट ओवर 316.2। अभी देखिए मैं कैलकुलेटर में आपको बता देता हूँ, अब ध्यान से देखिए। अभी देखिए ये कितना है, फर्स्ट लाइन क्या है, देखिए 403.1 स्क्वायर, वन का स्क्वायर देखो, लाइन निकलता है। ये 90 डिग्री रहता है कंटिन्यू, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
ये 90 डिग्री रहेगा तो आपको मार्किंग बराबर है। देखिए 90 डिग्री ये एंगल, अभी इस तरह का आप दो प्लेट आप मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग करने का, ये प्लेट कटिंग करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेम ऐसे लाइन लाइन मार के आपको बेंड करना पड़ता है। ये स्ट्रेट पोजिशन रहेगा, ये बेंड होगा, ये भी स्ट्रेट पोजिशन रहेगा। ऐसे दो पीस ऐसे वाला प्लेट होगा तो आपको एक ट्रांसलेशन पीस मिल जाएगा। अभी ये था आज का वीडियो, बेंड करने के बाद आपको इस तरह का ट्रांसन पीस मिल जाएगा। मैं प्रैक्टिकल में समझाया आपको, अगर नहीं समझे तो कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये कुछ इसमें 100% राइट है, एक परसेंट भी गलत नहीं है। आप अगर अच्छा से समझे तो अभी डायरेक्ट आप मार्किंग करके इस तरह का दो प्लेट मार्किंग कर सकते। अगर आपको बड़ा ट्रांसन पीस है आपको ये भी ये पीस भी अलग कर सकते हैं। ये खाली ये 8 पीस में बना सकते हैं, 4 पीस में बना सकते हैं, उसका आधा भी कर सकते हैं, करेगा तो 4 पीस में हो जाएगा। ऐसे ये था स्क्वायर टू स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर टू राउंड। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा रेक्टेंगुलर टू राउंड कैसे बनाते हैं। रेक्टेंगुलर मीन्स ये देखिए, ये 500 है, ये 500 है, स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगुलर हो गया तो ये 500 होगा तो ये 1 मीटर हो सकता, 300 हो सकता, 800 हो सकता, उसको कैसे बनाते। सेम ऐसे प्रोसेस, लेकिन आपको थोड़ा कन्फ्यूज रहना पड़ता है उसमें। कन्फ्यूज नहीं होगा तो आप बराबर मार्किंग कर सकते, क्योंकि ये हम लोग एक साइड इतना लेके पूरा मार्किंग कर सकते, लेकिन उसको पूरा यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट लेना पड़ता है। ये था आज का वीडियो। अगर आप मेरा वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर बेल आइकन का आपको दबाएगा तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।